दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी, शौक की कोई भी कीमत नहीं होती। तो देखिए कुछ ऐसा ही ये भाई जो है इसके अंदर कुछ करवाएंगे, क्योंकि शौक एक ऐसा ही जुनून होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इनकी बाइक है हीरो एचएफ डिलक्स BS6 बाइक, तो यहाँ पर इनके पास जो ये बाइक है इन्होंने पहले जो है इसके अंदर ये वाला एग्जॉस्ट मतलब कि साइलेंसर चेंज करवाया था अपनी इस बाइक में, ताकि इसकी आवाज और बेहतर बन सके। लेकिन यहाँ पर देखिए चलो ये साइलेंसर तो इन्होंने इसमें चेंज करवा लिया था, लेकिन अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मान लो आप भी किसी चीज के शौकीन हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ आप वीडियोस वगैरह देखते हैं और आपको कुछ अच्छा लगता है अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन से लेके, तो आप भी उसको जरूर करवाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो बाइक है ना इसके अंदर ये भाई जो है यामा RX 100 का जो साइलेंसर होता है जो एग्जॉस्ट होता है उसको इसमें लगवाएंगे, या फिर अगर आपके पास सुजुकी MAX 100 होती है तो उसका भी साइलेंसर आप जो है इसके अंदर लगवा सकते हैं। अब लगवाएंगे किस तरीके से ये आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिंद्र कौशल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल योर बाइक मैकेनिक। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसके अंदर ये कुछ बदलाव करके इसमें ये साइलेंसर लगवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी स्प्लेंडर बाइक होती है उसका यहाँ पर ये एक साइलेंसर का बैंड होना चाहिए, तो ये आपको अलग से मिल जाएगा 150-200 रुपए का, ये आपको जो है अलग मार्केट से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए जो ये हमारे पास BS6 का साइलेंसर है ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो ये पहले वाला बैंड है इसमें और इसकी कटोरी जो ऊपर का ये कैप होता है इसमें आपको ये चौड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा, और जो BS6 के साइलेंसर है इसमें आपको इसका ये पतला हिस्सा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसका हेड है ना हेड के अंदर जो अंदर का होल होता है उसको कम गहरा किया गया है। तो ऐसे में मान लो जैसे कि ये बैंड है ठीक है, अब हम नए साइलेंसर को तो कटवाने से गए तो ये बैंड अलग से मिल जाएगा 150-200 रुपए का। तो अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको इसमें लगाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर का ये कैप होता है ठीक है, तो ये ऊपर तो प्रॉपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे की ये इसकी कटोरी होती है जिसमें ये इसके नट लगेंगे, तो यहाँ पर ये इसके नट इसमें नहीं लगेंगे जिससे यहाँ पर ये इसको टाइट भी नहीं कर सकेंगे ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसमें यही बदलाव करना है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर तकरीबन आपको जो है इसको आधा कट कर लेना है, तो आपके पास एक ग्राइंडर होना चाहिए, तो ये तो आप ग्राइंडर के द्वारा कट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि ये वेल्डिंग वाले के पास एक बड़ा कटर होता है ठीक है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने इसको कट करना है। तो ये हमारे पास ग्राइंडर है, इससे हम इसको इस तरीके से काट रहे हैं ठीक है। आप मजबूती से पकड़े, या फिर आपके पास जो बंदा होता है जो उसको चला सकता है वो इसको कट कर सकता है ठीक है। तो जैसे भी चाहे आप इसको कट कर सकते हैं किसी बांग वगैरह में लगा के। तो जब आप इसको बिल्कुल बराबर काट देंगे ना, इसके फेस को बिल्कुल बराबर काट देंगे, और जब ये यहाँ से कट जाएगा तो ऐसा होगा कई बार मान लो थोड़ा बहुत ये इसका फेस दाएं बाएं हो जाता है ठीक है, मतलब कि प्रॉपर इसका जो है ये फेस बराबर नहीं हो पाता। तो आपने क्या करना है, इसके फेस को बराबर करने के लिए थोड़ा ऊपर से इसको घिसा लेना है ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा घिसा लेता हूँ। तो अब यहाँ पर जब ये थोड़ा सा घिस जाएगा तो ऐसे में देखिए ये कटोरी यहाँ से लूज हो गई ठीक है, ऊपर का जो ये कैप है। तो ऐसे में आपने करना क्या है, यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे ही लगाएंगे ना तो यहाँ से जो एग्जॉस्ट से गैस निकलती है तो वो यहाँ से लीकेज करेगी, तो ऐसे में इससे फिस फिस की आवाज आएगी। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, गैस कटर के द्वारा इसको सबसे पहले यहाँ से वेल्डिंग को भरवा लेना है। जब आप यहाँ पर वेल्डिंग भरवा लेंगे अच्छे से इसके फेस को बिल्कुल बराबर कर लेंगे, तो इसके बाद आपने थोड़ा सा और इसके फेस को जो यहाँ से घिसा लेना है ताकि यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट में अच्छे से लग सके। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा घिसा लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल बराबर कर लिया है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहीं से ये शुरू होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ का ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर जब ये इसमें कैप लग जाएगी तो यहाँ पर इसके नट भी आसानी से ये टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार हमने जो है इसके नट को यहाँ पर लगाकर पीछे से थोड़ा सा कपड़े के द्वारा इसको रोक लेना है, ताकि हमें ये यहाँ से पता लग जाए कि यहाँ पर ये लीकेज तो नहीं कर रहा। तो अब इसके बाद जो हमारा ये इसका एग्जॉस्ट होता है सुजुकी का हो आपके पास या फिर यामा का, तो आपने इसके बैंड को आगे से यहाँ पर कट कर लेना है जहां पर ये इसका आगे का हिस्सा वेल्डिंग होता है ठीक है। अब यहाँ पर ये वेल्डिंग वाला हिस्सा हमने इसलिए कट करना है ताकि यहाँ से आप वो इसमें इसको लगाने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो ये हमने इसमें बैंड फिक्स कर लिया ठीक है, अभी थोड़ा हमने इसको ये जो इसके नट है इनको लगाया है ठीक है, तो आपने जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसके बैंड को थोड़ा सा पीछे से कट कर लेना है, सिर्फ आपने इसको जो है जरूरत के हिसाब से ही कट करना है ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपने करना क्या है, इसको हम यहाँ पर दोबारा इसमें लगा देते हैं। तो अब हम जब इसमें ये लगवाएंगे ना तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो इसका ये होल होता है इसमें भी फर्क पड़ेगा ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तो अभी ये मैचिंग नहीं हो पाते, तो थोड़ा बहुत इसके होल को हमने खुलवाना है ऊपर की तरफ करना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इसको इसमें डाल दिया ठीक है, तो आप इसको जो है
अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि हमने इसमें डाल दिया तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए हमारी जो पीछे की लेग है ये भी प्रॉपर आ जाएगी, और यहाँ पर ये हमने जो इसकी पीछे की पत्ती होती है जहाँ पर साइलेंसर लगा होता है इसको यहाँ से कटवा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये हमने इस तरीके से कटवा दी, क्योंकि हमने जो है इसको जरूर लगाना है इस पर जब ये किसी पर कोई बंदा पिलियन बैठेगा, ताकि यहाँ पर ये अच्छे से अपने पैर इस पर रख सके। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा जो है इसके कट को यहाँ पर लगवाया है ताकि इसमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो, इसके पीछे हम बाद में वार्निश रख देंगे। तो अब यहाँ पर आपने जो है इसके यहाँ पर थोड़ा सा जो वेल्डिंग करवा लेना है जहां पर ये इसमें साइलेंसर का बैंड लगेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये थोड़ी सी वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पर जो है दो चार जब इसमें टांके लग जाएंगे, ठीक है, इसके बाद नीचे उतरवा के आपने इसकी वेल्डिंग को यहाँ से पक्का करवा लेना है, ताकि यहाँ पर ये कोई यहाँ से जो है लीकेज वगैरह ना करे, ताकि यहाँ से कोई फिस फिस की आवाज ना आए। तो यहाँ पर इतना काम आप करवाएं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, तो चलिए पहले मैं यहाँ पर इसकी वेल्डिंग ये करवा लेता हूँ। पहले दोस्तों अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी लग रही होगी तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सभी दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर कर लेना। तो जब यहाँ पर ये वेल्डिंग हो जाए तो आप ग्राइंडर के द्वारा थोड़ा सा यहाँ से जो है इसको घिसा लें, ताकि यहाँ पर ये वेल्डिंग भद्दी न लगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर आप बाद में स्प्रे वगैरह कर सकते हैं सिल्वर कलर का, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा निकल भी यहाँ पर ये आप लगवा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको घिसा लेना है, और इसके बाद हम इसको लगा के इसमें जो है इसको चेक करते हैं कैसे इसकी साउंड बनेगी कैसी नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये अब हमारा काम इतना कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा जो है साइलेंसर बिल्कुल नया रेडी हो चुका है। तो इसमें जो है हमें जो पुराने वाला एग्जॉस्ट है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो हमारा पहला साइलेंसर होता है कैटलेटिक कन्वर्टर वाला, तो हमें उसको कटवाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी और ना ही उसके बैंड की हमें जरूरत पड़ी। तो जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो चलो अब मैं इसको फिट करता हूँ और यहाँ पर इसकी साउंड पहले सुनते हैं क्या यहाँ पर ये इसकी साउंड बिल्कुल फ्रेश बनी है या यहाँ से कोई एयर जो है कोई लीकेज कर रही है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो इसकी ये पीछे की बांसुरी होती है इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसमें बांसुरी लगी होती है। ठीक है, सुजुकी का साइलेंसर हो या फिर यामा आरएक्स 100 वाला, उसके अंदर ये आपको एक बांसुरी मिलेगी। तो अब इसकी साउंड सुनिए, अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसको जो इसकी पीछे की ये कटोरी होती है इसको निकलवा के भी आप इसकी एडजस्ट को और ज्यादा बना सकते हैं। तो चलो पहले इसकी साउंड आपको सुनाता गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिल से रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।